का पत्ता बेहद ही ज्यादा चमत्कारी होता है। जी हाँ, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पान के पत्ते को बेहद ज्यादा शुभ भी माना जाता है। तो बता दें, किसी भी तरह के शुभ काम से पहले या पूजा पाठ के वक्त इन्हें जरूर पूजा में शामिल किया जाता है। तो चलिए आज अपने इस खास रिपोर्ट में आप सभी को बताते हैं कि कितना चमत्कारी होता है पान का एक पत्ता। अगर आपको भी धनवान बनना है तो आपको पान से जुड़े ये उपाय जरूर करने चाहिए। रुके हुए कार्य पूरे करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से लंबे समय से रुके काम पूरे हो जाते हैं। जी हाँ, बीड़ा अर्पित करने से तात्पर्य होता है कि अब से हनुमान जी आपकी बीड़ा उठाएंगे। जी हाँ, ध्यान रखें, इस पान में सिर्फ कत्था, सौंफ, गुलकंद, खोपरे ही डलवाएं। पान में चूना या सुपारी डलवाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो वही कार्य होंगे पूरे। अगर आपका कोई काम काफी लंबे समय से अटका हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा, तो रविवार के दिन उस काम को करने के लिए आप निकले, घर से निकलते वक्त आप पान के पत्ते को अपनी जेब में रखें। जी हाँ, ऐसा करना शुभ माना जाता है और कहते हैं कि ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन के सारे कष्ट किस तरीके से दूर कर सकते हैं? पान पर कंसार कोरे रखकर गणेश जी को अर्पित करने से आपके जीवन के सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके अलावा पान के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर टांगने से घर की नकारात्मकता शक्ति खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ध्यान रखें कि हर दिन पान के पत्ते को कारोबार में अगर वृद्धि चाहिए तो क्या कुछ करना चाहिए? अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा, ठप हो रहा है, तो पान के पत्तों का दान करने से सारी कारोबार संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस उपाय को बुधवार के दिन करें तो ज्यादा शुभकारी माना जाता है। जी हाँ, तो ये थे कुछ पान के पत्ते से जुड़े हुए अचूक उपाय जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर करने के लिए बेहद ही ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से इंदु की रिपोर्ट।